मैंने भी कहा है कि चिता जी मुझे भी थोड़ा मार्शल आर्ट सिखा दी। वैसे मैं ब्राउन बेल्ट हूँ, ब्लैक बेल्ट नहीं किया मैंने, सीख लेती तो अच्छा होता, बट उस वक्त तो पता नहीं प्रॉब्लम था। नहीं अभी हम मैं 6 महीने बाद तुम जो करने वाली हो, जो अभी जो उन्होंने ये जो ऐसी एक ट्रायल गेम था इनका, अभी वो मेरे से सीखेंगे, ये देखूंगा रेबल के साथ मेरा ट्रायल गेम, रेबल को जो किया है रेबल का डबल इन्होंने मार के आएंगे। आई प्रॉमिस दैट, मैं जरूर, मैं अभी पूरा सीख रही हूँ मार्शल आर्ट, रिंग में कैसे उल्टा पलटी, मतलब घुसे कराटे लाते क्या क्या, कैसे कैसे लर्न करना है, मैं सब सीख रही हूँ। और अभी मैं पिछले 6-7 दिन से तो सीख ही रही हूँ, और मेरा थोड़ा बैक में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं मुझे अभी। अगर पहले सीख लिया तो शायद फायदा होता ही है। हाँ, अगर पहले सीख लिया होता तो मुझे पता नहीं था ना कि मुझे रिंग में जाना पड़ेगा। वैसे मैं ब्राउन बेल्ट तो थी। देखिए ये क्या, ये चीटिंग होती है। आप रिंग में डांस के लिए बुलाते हैं और आप बगैर सामने वाले को बोले बगैर आप पटक देते हैं, ये चीटिंग होती है। तो मेरे साथ तो चीटिंग हुई है। सारा खान का जो वीडियो देखा आपने, क्या सारा खान का बुर्का वाला गाना देखा? उन्होंने माफी मांगी है ओपनली मुस्लिम कम्युनिटी से, जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था आपका। देखिए वो लड़की है, माफी मांगी है, उन्हें इतना पता नहीं था, तो माफ कर देना चाहिए मुझे लगता है। आपका भी एक सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही कि आप भी माफी मांग रहे हैं? हाँ, मैंने एक्चुअली, हमें पता नहीं था वो मुद्दा क्या था, तो उन्होंने कहा क्या मुद्दा था मुझे पता नहीं था, बट लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं मालूम होने पर भी आपको बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा लगता था आपको? नहीं, ऐसा हमें कुछ पता नहीं था, बट इसके बारे में अभी मैं कोई बात नहीं करूँ, क्योंकि हम माफ़ी मांग चुके हैं। अभी हमको 6 महीने बाद जो तैयारी करनी है ना राखी, देखिए अभी मैं तोड़ेगी, मैं उसकी बात कर सिर्फ एक ही है कि मुझे रेबल को तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है बस। और एक और भी सारे कि आप कनुष्य से भी माफ़ी मांग रही है, कुछ भी लोग न्यूज बोलते रहते हैं। हम लोगों को आज फाइट के बारे में बात करनी है। देखिए आज हमने केक काटा है और सबका मुंह मीठा करेंगे, ब्रूस ली जी का बर्थडे है और मैं मार्शल आर्ट सीख रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। यस, मैं माफी मांगू ना मांगू वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं है। अगर हमसे गलतियाँ होती है तो इंसान ही माफी मांग लेता है इंसान, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, है क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।